डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से अंतर्गत चल रहे स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम के अंतर्गत बालोर स्थित भवानी आदर्श विद्या मंदिर में स्वर्ण प्राशन यूनिट का उद्घाटन बुधवार को किया गया। हाईकोर्ट जस्टिस मनोज कुमार गर्ग और आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति के आतिथ्य में किया गया। जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम की सराहना करते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास में इसको सहायक बताया। उन्होंने कहा कि स्वर्ण प्राशन के नियमित मासिक पुष्य नक्षत्र पर पिलाने से जन्म से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी प्रमाणों में देखा गया है। 11वां सेंटर हमारा स्वर्ण प्राशन का स्टार्ट हुआ है पुष्य नक्षत्र में भवानी आदर्श विद्या मंदिर में। यहाँ पे बच्चों को हम स्वर्ण प्राशन करा रहे हैं आज, और ये हर पुष्य नक्षत्र को अभी सेंटर पर स्वर्ण प्राशन होगा। आसपास के जितने भी लोग हैं स्कूल के अलावा, वो लोग भी आकर यहाँ पे स्वर्ण प्राशन ले सकते हैं। स्वर्ण प्राशन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे काम करने का बहुत बढ़िया तरीका होता है। ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इसलिए आप सभी बच्चों को अपने यहाँ ले आए। महीने में एक बार कुछ ड्रॉप की बात होती है जो सभी बच्चों को पसंद आएगी, ऐसा मेरा मानना है। इसको लेकर आप बच्चों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कराने की